सब्जेक्टिव शीट नंबर 16 में क्वेश्चन नंबर 1, कितने लोगों को इसमें डाउट है? 1 में डाउट है। देखो फिगर में क्या गिवन है, फिगर में गिवन है पेंटागन। अब जो पेंटागन है वो कितनी साइड्स का बनेगा? 5 साइड्स का बनेगा। तो एक काम करते हैं, एक पेंटागन बनाते हैं और पेंटागन में 5 साइड्स को लेके हर साइड को वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखो क्या हो रहा है यार, ये तो ये एक वेक्टर है, ये मान लो दूसरा वेक्टर है, ठीक, ये मान लो तीसरा वेक्टर है, ये मान लो चौथा वेक्टर है और ये मान लो पांचवा वेक्टर है। बन गया पेंटागन। तो अगर नेमिंग करें तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ, बहुत सारे वेक्टर इकट्ठे ऐड हो सकते हैं, तो ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर, डी ई वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू, बोलो क्या, ई ए वेक्टर, यस कि नो? पॉलीगन लॉ का कहता है कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू क्या, आखिरी साइड का वेक्टर। तो क्या मैं इसे लिखूं ई ए वेक्टर? कितने लोग एग्री करते हैं कि दिस मस्ट बी इक्वल टू ई ए वेक्टर? कितने लोग एग्री करते हैं, यस कि नो? नो, माइनस आएगा। ओके, पॉलीगन लॉ इस पर लग नहीं सकता क्योंकि पॉलीगन लॉ एक्चुअल में यह बोलता था कि बाकी सारे वेक्टर सेम ऑर्डर में होने चाहिए, आखिरी जो वेक्टर होगा वो ऑपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। तो इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ए से लेके ई, तब ये रिजल्टेंट कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां पॉलीगन लॉ नहीं लगेगा क्योंकि सेम ऑर्डर में चल रहे हैं। अच्छा, इमेजिन करो अगर मैं ऐसा करूं कि सपोज इसको मैं उल्टा कर देता हूं, चलो मैंने उल्टा कर दिया, अगर मैंने इसे उल्टा किया तो अब ये ई ए वेक्टर की जगह क्या लिखूंगा, माइनस ई ए वेक्टर। भाई मैंने डायरेक्शन उल्टी कर दी तो नेगेटिव वेक्टर लगा दिया, नेगेटिव वेक्टर का मतलब ई ए वेक्टर की जगह माइनस ई ए वेक्टर हो गया, कोई डाउट? हाँ, अब पॉलीगन लॉ लग सकता है क्योंकि सभी वेक्टर सेम ऑर्डर में एक्सेप्ट आखिरी, जो आखिरी वेक्टर है वो ऑपोजिट ऑर्डर है, तो ऑपोजिट ऑर्डर वाला क्या बन जाएगा, इसका रिजल्टेंट। तो बन गया रिजल्टेंट, क्लियर है यहां तक? तो रिजल्टेंट कैसे बनाना पड़ा मुझे, क्योंकि ये वेक्टर इधर था, मैंने उल्टा किया तो माइनस ई ए वेक्टर आया। अब पॉलीगन लॉ कहता है कि आखिरी साइड रिजल्टेंट है, क्लोजिंग साइड होनी चाहिए, तो अब ई ए वेक्टर अगर लेफ्ट की तरफ चला जाए तो जो प्रूव करना है वो हाथ हो गया। ये देखो, यही तो प्रूव करना है, प्रूव दैट इन सबका सम माइनस ई ए इधर आएगा तो सारा सम क्या हो जाएगा वेक्टर का, जीरो। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक कि कैसे जीरो इसमें प्रूव करना है? ठीक है यहां तक? ठीक। अब ए बी सी डी रेगुलर हेक्सागन है, कितने का हो गया ये क्वेश्चन? ठीक है, तो इसमें ये हेक्सागन है जिसमें ना कई वेक्टर्स इसमें मेंशन किए हुए हैं, जिनमें से ये ए एफ एक वेक्टर है, ए ई एक वेक्टर है, ए डी एक वेक्टर है, ए सी एक वेक्टर है और ए बी एक वेक्टर है। ठीक है, तो ये आपको इसके अंदर गिवन है। ठीक है, ये गिवन है तो इसके अंदर चलो छोड़ो, तो इसके अंदर आपको ये फिगर गिवन है, ये रही। तो मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर इज इक्वल टू 6 टाइम्स ए ओ वेक्टर, वेयर ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन का मतलब है कि ये जो साइड है ए बी वो ई डी के बराबर है, राइट? ये रेगुलर हेक्सागन है। तो रेगुलर हेक्सागन में मैंने क्या बताया कि ये जो साइड बनेगी ए बी, ये जो वेक्टर है ए बी वेक्टर किसके इक्वल है, ई डी। तो साइड पर लिख लेता हूं, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा यहां पर, ई डी वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है और वैल्यू भी सेम है,
अच्छा इधर देखें, ए एफ वेक्टर किसके इक्वल आएगा, सी डी वेक्टर ऐसे। तो साइड पे लिख लेते हैं, ए एफ वेक्टर इज इक्वल टू कितना, सी डी वेक्टर। कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहां तक साइड पे लिख लिया मैंने। नेक्स्ट स्टेप है, अगर मैं ट्राइंगल लॉ लगाऊं, देखो ट्राइंगल लॉ इसमें लग नहीं सकता क्योंकि ये वेक्टर नहीं है, वेक्टर तो होगा उसे दिया नहीं कि किस तरफ है, तो मैं ट्राइंगल लॉ नहीं लगा पा रहा। अच्छा इसमें ट्राइंगल लॉ लग सकता है क्योंकि ये वेक्टर आगे जा रहा है, ये से कंटिन्यू कर रहा है, तो सेम ऑर्डर है, और ये क्या है, क्लोजिंग ऑर्डर है। तो क्लोजिंग साइड क्या बनेगी इसमें ट्राइंगल लॉ में, रिजल्टेंट कौन बनेगा पहले बताओ, ए सी बनेगा, सी डी बनेगा कि ए डी बनेगा, ए डी, क्योंकि ये ऑपोजिट ऑर्डर है। तो आपके पास क्या आएगा, ए डी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। तो ए डी वेक्टर इज ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, राइट। अच्छा ट्राइंगल और कहां लग रहा है, यहां भी लगेगा, देखो तीन वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर, दूसरा और तीसरा, कौन रिजल्टेंट है बोलो इसमें, कौन, एडी। एडी क्यों, क्योंकि ये वेक्टर आगे जा रहा है और ये वाला वेक्टर आगे इसे कॉन्टिन्यूस ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर में है, और ये इसकी क्लोजिंग साइड है, ऑपोजिट ऑर्डर। तो फिर से एक बार इस ट्राइंगल में एडी वेक्टर को लिख सकते हैं, एडी वेक्टर इज इक्वल टू क्या, एई वेक्टर, एई वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर। ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, बन गया। अब एक काम करते हैं, क्या प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, हमें प्रूव करना है ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर, ये लेफ्ट हैंड साइड है। एक काम करते हैं, ए डी वेक्टर को तो एज इट इज रख लेते हैं साइड पे, इसको तो मुझे चाहिए ही नहीं मुझे। फिर एक काम करते हैं, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, ए बी वेक्टर किसके इक्वल है, ई डी, तो ए बी वेक्टर की जगह पुट कर देता हूं ई डी वेक्टर। क्लियर है, ए बी वेक्टर की जगह ई डी वेक्टर, राइट। तो नहीं तो अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों पुट किया, मैंने इसलिए पुट किया क्योंकि मेरे को पता है कि ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, देखो ए सी वेक्टर मेरे पास है, मेरे पास इसमें सी डी वेक्टर नहीं है, पर मुझे पता है सी डी किसके इक्वल है, ए एफ। तो एक काम करते हैं, इस ए एफ को रिप्लेस कर देते हैं सी डी के साथ, तो यही कर देता हूं, ए एफ की जगह क्या पुट करेंगे, सी डी वेक्टर, क्योंकि सी डी वेक्टर और ए डी वेक्टर, सी डी वेक्टर सॉरी या ए सी वेक्टर, मैं कलर चेंज कर रहा हूं इसका, ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर, सी डी वेक्टर, सी डी वेक्टर की जगह क्या आ जाएगा, ए डी वेक्टर। तो एक काम करें, मैं इसको हटा रहा हूं, इसकी जगह मैं क्या रिप्लेस कर रहा हूं, ए डी वेक्टर। ठीक है, दो हट गया, एक ए डी आ गया। ठीक है यहां तक, मैं कलर फिर चेंज करता हूं इसका। अब क्या बचा मेरे पास, एक मेरे पास बच गया ए ई वेक्टर और एक मेरे पास बच गया ए बी वेक्टर, दो वेक्टर बचे। अब मुझे पता है कि ए ई वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर ए डी वेक्टर है, पर मुझे यहां ए बी गिवन है और ए बी को मैं क्या पुट कर सकता हूं, ई डी, तो इसकी जगह रिप्लेसमेंट करते हैं ई डी वेक्टर। तो आपके पास क्या बनेगा, ई डी वेक्टर और ए ई वेक्टर, ई डी वेक्टर और ए ई वेक्टर की जगह क्या बनेगा, ए डी वेक्टर। तो कितना हो गया, थ्री टाइम्स ए डी वेक्टर। पर मुझे यह पता है कि जो ए डी वेक्टर है, ए डी वेक्टर ये ओ मिड पॉइंट है, इज टू टाइम्स ए ओ वेक्टर। तो आंसर क्या आएगा, 6 इंटू ए ओ वेक्टर, जो प्रूव करने आंसर आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, देखो ये क्वेश्चन आए या ना आए मुझे नहीं मालूम क्योंकि वेक्टर्स में पूछने के लिए बहुत कुछ है, पर पॉइंट ये है कि इस टाइप की प्रॉब्लम करने का एक आइडिया आपको समझ में आ रहा है कि कैसे कर सकते हैं। आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रहती है, बट पता नहीं लगता, कोई स्कूल का टीचर डाल देगा तो आप मना नहीं कर सकते कि क्यों डाला, क्योंकि लग तो इसमें ट्राइंगल लॉ रहा है। तो आइडिया क्लियर है यहां तक, ठीक है। थोड़ा ना हिट एंड ट्रायल है बेसिकली, क्या लेफ्ट हैंड साइड में किसी तरीके से बस वो कन्वर्ट होकर छोटा बन जाए, बस यही काम है और कोई काम नहीं है। इसके अंदर जो नेक्स्ट है, इसमें अब बॉय ट्रेवल्स 10 मीटर ड्यू नॉर्थ एंड 7 मीटर ड्यू ईस्ट। तो इस क्वेश्चन के अंदर
क्वेश्चन नंबर ये रहा, बॉय ट्रेवल्स 10 मीटर ड्यू नॉर्थ, तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 10 मीटर ड्यू नॉर्थ एक वेक्टर एंड 7 मीटर ईस्ट ये एक वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, ये होगा यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसकी वैल्यू क्या होगी, पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है तो ये 10 है ये 7 है, अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, क्या है पॉइंट क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट क्लियर है। और अगर इसमें डायरेक्शन निकालनी है जो निकल नहीं सकती पर कोई बात नहीं हम ऐसे निकाल लेंगे, डायरेक्शन में टैन थीटा विल बी इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 10, तो थीटा को सिर्फ लिख देंगे टैन इनवर्स 7 डिवाइडेड बाय 10, एंगल निकल नहीं सकते तो बताया था ऐसे छोड़ दो, बात खत्म, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक क्लियर है। तो डिस्प्लेसमेंट भी आ गई और एंगल भी आ गया, मीन डायरेक्शन भी आ गई। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन के अंदर फोर्थ में, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 16 न्यूटन ईस्ट एंड 8 न्यूटन ड्यू नॉर्थ क्या होगा, तो एक ईस्ट की तरफ 6 न्यूटन है और नॉर्थ की तरफ 8 न्यूटन है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ड्रॉ पैरेललोग्राम बन गया ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट क्या होगा 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि पाइथागोरस लग सकती है 90 डिग्री पे है ना, तो ये क्या आएगा 10 न्यूटन आएगा, क्लियर है यहां तक। और एंगल नहीं निकल सकता ऐसा अजीब सा एंगल, कोई बात नहीं, रिजल्टेंट का एंगल बीटा ले लो, आप लिख देना टेन ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू, अगर ये 8 है तो ये साइड भी 8 है, ये 8 है ये 6 है, 8 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 3, तो बीटा इज टेन इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक। वैसे टेन इनवर्स 4 बाय 3 53 डिग्री होता है, काफी जगह ये रेशियो यूज होती है 4 बाय 3 की टेन इनवर्स, तो आंसर आपको 53 डिग्री काफी देखने को मिलेगा इसमें, वो इसलिए यूज करते हैं, आप सोचेंगे क्या सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ये है कि ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो सही बनता है 3, 4 और 5, इसका राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे ना तो 3, 4 और 5 ऐसे बनता है 3, 4, 5, ठीक है, तो इसलिए ये बड़ा फेमस है 3, 4, 5 का पाइथागोरस लोगे तो एंगल आपको ये 53 डिग्री के आसपास मिलेगा ऐसा है, ठीक। पर चलो आप छोड़ो, आप ऐसे कर लो, जब बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे आपको अपने दिख ही जाएगा कि हर बार यही एंगल आता है और 53 डिग्री आंसर होता है, ऐसे जबरदस्ती से याद ना करो कुछ भी। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन 2 न्यूटन, नहीं ये हो जाएगा दिया था मैंने, कोई रहने दे पे कोई बात नहीं, ये दिया था नहीं, ये नहीं करना अभी, सब्ट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है, फिर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। नेक्स्ट है ये भी नहीं करना अभी, ये करना है। तो कितने लोगों से ये हो गया था एंगल, तो इसके अंदर आपको रिजल्टेंट गिवन है किसका, 2 वेक्टर्स हैं, एक P प्लस क्यू, क्या P प्लस क्यू जो देखने में लग रहा है क्या ये वेक्टर है या ये टर्म मैग्नीट्यूड है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर वेक्टर साइन लगा ही नहीं हुआ, तो ये कितना है P प्लस क्यू, ये कितना है P, देखो P भी नंबर Q भी नंबर, तो कहीं ना कहीं नंबर्स हैं ये, जैसे 10 और 5 ऐसे P प्लस क्यू पी माइनस क्यू, इनका रिजल्टेंट इसके इक्वल है, आपको एंगल निकालना है, तो आप क्या करेंगे 3P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का अंडर रूट इसकी वैल्यू है, तो रिजल्टेंट कितना है अंडर रूट ऑफ 3P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और किसका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट है P प्लस क्यू के स्क्वायर का, P माइनस क्यू के स्क्वायर का 2 इंटू पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, और एंगल बिटवीन देम इज सपोज थीटा, पुट कर लिया यहां से ये स्क्वेयरिंग कर लिया, 3P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ प्लस 2 इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा, तो पी स्क्वायर 2PQ कैंसल हो गया, इसमें से P square माइनस करो तो लेफ्ट हैंड साइड P square, Q square में से एक Q square तो कैंसल और ये इधर आएगा माइनस Q square, तो क्या बचा 2P square माइनस Q square into cos of theta ऐसे, तो जब ये टर्म इससे डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके पूरी टर्म कट के 1 हो गया और 2 भी लेफ्ट की तरफ चला गया तो cos theta हाफ हो गया, थीटा कितना हो गया 60 डिग्री आंसर आ गया, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक,
कोई डाउट इसमें? ठीक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस एट राइट एंगल इज 1414। तो ये रिजल्टेंट है और किसका? इक्वल फोर्सेस का। इक्वल मतलब एक फोर्स भी एफ है और दूसरी भी एफ है, और टू इंटू एफ इंटू एफ इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 90। तो ये जीरो हो गया। सॉल्व करके क्या जाएगा? एफ निकाल लेना आंसर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है और दैट्स इट। ठीक है यहां तक?